हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र जैन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजल मैथ्स कंपटीशन में आपका स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स हम वीडियो स्टार्ट करेंगे यूपीएसआई के लिए हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला का ये नया टॉपिक आपके सामने है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है और इनकी संख्या पांच होती है, छोटा ई, बड़ा ई, री, ए, ऐ। और मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है वह मध्य स्वर कहलाते हैं, इसकी संख्या एक होती है, ए। और इस प्रकार जानेंगे पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, यानी कि जीभ का पिछला भाग काम करता है, तो उसको पश्च स्वर कहते हैं, आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ओ, औ और ओ। तो इस प्रकार हमारे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर होते हैं। अब इनको जानने के लिए, इनको याद रखने के लिए एक बहुत ही सुपर और खतरनाक ट्रिक्स आपके सामने है, जैसे कि अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, मध्य स्वर कौन से होते हैं और पश्च स्वर कौन से होते हैं, इनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाया जा सकता है। तो आप इसके लिए एक ट्रिक्स जानेंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक अंक होता है गणित का, यानी कि एक अंक होता है जिसको हम इस थ्री कह सकते हैं, ये हमारे गणित का नंबर तीन है। तो गणित की संख्याओं में ये हमारा नंबर तीन होता है। तो अब हम इसकी मदद से अपने सभी स्वरों को जान लेंगे और आसानी से इन्हें याद रखेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले मध्य स्वर का जो केवल एक ही स्वर होता है ए, इसको याद रखना चाहिए कि हमारा मध्य स्वर कौन सा होता है, वो होता है ए। इसके बाद हमें पश्च स्वर को जानना है, और पश्च स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें एक तीन का अंक, जिस प्रकार ये तीन, ये थ्री डिजिट अंक दिखाई दे रहा है, ये जिन जिन स्वरों में इस तरह का डिजाइन या आकृति दिखाई देगी वे सभी हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। देखिए, आ, यहां पर देख सकते हैं ये तीन के अंक जैसे हमारे जो हो गए पश्च स्वर हो गए, जिनमें हमारा आ होगा और आ के बाद छोटा ही हमारा अग्र स्वर होगा, यानी कि इसके अलावा जो भी हमारे स्वर आते रहेंगे वे हमारे अग्र स्वर में रखे जाएंगे। जैसे आ, ए तो हमारा मध्य स्वर में आ गया, इसके बाद आ पश्च स्वर में आ गया, छोटी ही अग्र स्वर में, बड़ा ही अग्र स्वर में और री अग्र स्वर में, ए अग्र स्वर में आएगा और ए भी अग्र स्वर में आएगा। इसके बाद होता है हमारा इसमें छोटा उ, बड़ा उ, ओ, ओ और अवगत स्वर। देखिए, ये हमारे सभी में तीन के जैसा अंक बना हुआ है, यहां पर देख सकते हो आप। तो जिनमें भी तीन तीन के जैसा अंक दिखाई देगा वे सभी हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं, और जिनमें ये तीन का अंक नहीं दिखाई देता वे सभी हमारे अग्र स्वर होते हैं। तो इस प्रकार हम इन स्वरों को आसानी से याद कर सकते हैं और याद रख सकते हैं, और ये हमारी खतरनाक ट्रिक्स है, तो आपके बहुत ही काम आएगी, आपके एग्जाम में बड़ी मदद करेगी। तो जीभ के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं, आज हमने इस वीडियो में सीखा है।